हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी पार्ट टू, जो कि है कसौल टू तोश। तो अभी जो है हम जा रहे हैं तोश की तरफ, और बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा नैरो पाथ है जैसे कि आप देख सकते हो, और गाड़ियाँ जो है 4x4 विद चेन ही जाएंगी जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको जो है व्यूज़ दिखाती हूँ। प्यारे प्यारे, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बर्फ़ पड़ी हुई है, बहुत ही अमेजिंग वेदर हो रहा है। तोश पहुंच चुके हैं और यहाँ से वॉक करके जा रहे हैं। बहुत केयरफुल होने के लिए हमने स्टिक ले लिया। आराम से से पूरे पुल पे भी बर्फ जम चुकी है, बर्फ। हाँ, यहाँ पे लोग बहुत संभल संभल के चल रहे हैं। और ये नहर है, बड़ा स्लिपरी है यार, मग के देखो। अरे बाप रे, तो बर्फ बर्फ है, बहुत स्लिपरी है। गाइस, बहुत स्लिपरी है, पानी देखिए। ये स्लिप होती है। बहुत स्लिपरी है। अरे पहुंच चुके हैं, मेरे को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ रही। ये पूरा ब्लैक आइस है। हम पहुंच चुके हैं ये दिंकी दीदी द लास्ट रिजॉर्ट कैफे 360 मेरी मैडम स्टिक के साथ। और बहुत डिफिकल्ट है, पीछे गाय भी आ रही है, मैं पहले अपनी जान बचाऊं। और रुक जा भाई, ओए बाबूजी। क्या हो गया? सो गाइस, ये लोग गिर चुके हैं यहाँ पे अभी, और बहुत स्लिपी है। आप यहाँ पे बड़ा ध्यान से चले, मेरे खुद जो पैर हैं स्लिप हो रहे हैं बार बार। हम चलते हैं आगे की तरफ। रास्ता देख सकते हैं, फुल जो है स्लिपरी है, तो ध्यान से आए अगर आपने इधर जो आके है एडवेंचर करना है। दीवार का सपोर्ट ले लो। हाँ, ब्लैक आइस है फुल। आराम से आराम से आराम से आराम से, बहुत पैर स्लिप हो रहे हैं भाई। तो गाइस, आइस जो है बहुत ज़्यादा जम चुकी है, बिकॉज़ यहाँ पे जो है 3-4 डेज से आइस कंटिन्यूसली हो रही है, स्नोफॉल। तो काफ़ी ज़्यादा जो है अभी जो है काफ़ी ब्लैक आइस हो गई और काफ़ी जम गई है, तो काफ़ी स्लिप हो रहे हैं पैर। तो अभी जो है हमने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करा, जिसमें जो थोड़ा सा एक्सप्लोर किया हमने थोड़ा सा यहाँ का तोश विलेज, बट आगे जो है बहुत ज़्यादा रिस्क है, बिकॉज एक तरफ खाई है और एक तरफ स्लिप हो रहा है। तो इट्स नॉट एन गुड ऑप्शन कि आप जो है अपनी लाइफ रिस्क लेके आगे जाओ, तो इतना तो नहीं करना चाहिए। तो हम जो है तोश एक्सप्लोर करेंगे समर्स में, बिकॉज विंटर्स में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्लिप हो रही है, और अभी जो है काफ़ी लोग गिर भी गए, तो काफ़ी जो है आगे जाना थोड़ा रिस्की है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने को मिलता है या फिर जो है हम कसौल में खाते हैं। तो मैं आपको अभी बैक कैमरा से दिखाती हूँ, फुल जो है ब्लैक आइस हो चुकी है, मतलब एक दो लड़कियाँ तो मतलब गिर गई फुल। थैंक गॉड वो स्नो जो सॉफ्ट आइस थी उस पर गिरी, अगर हार्ड पे गिरती तो कहीं ना कहीं तो लग ही जाती, तो इतना रिस्क क्यों लेना।
अगर आप सेफ हो तो भी आप ट्रैवल कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। तो मैं आपको अभी बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो गाइज़ आप ये देख सकते हैं बैक कैमरा से बहुत ही ज़्यादा नैरो पाथ है, और ये सामने जो है ये है तोश विलेज, जो कि लोग जो है एक्सप्लोर करने आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बर्फ़ जो है काफ़ी पड़ती है, तो अगर आप कसौल में हो तो यहाँ पे जो है वन डे जो है अपना आप घूम के जा सकते हो, एक्सप्लोर करके जा सकते हो, और मज़ा काफ़ी आ रहा है। बट आगे थोड़ा रिस्क है, तो इसलिए जो है हम यहाँ से चलते हैं वापस और कसौल में रुक के जो है अपना डिनर करते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए अभी ये वापस जाते हुए पैर बहुत स्लिप हो रहे हैं यार, क्या करें। ये देखो दुकान का हाल, अंदर जाने के लिए भी कितनी पर जमी हुई है देखो। इस कंडीशन को देख के गाने याद आ गए मेरे को, तौबा तौबा रे तोश की सूरत। देख 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 गिरी गिरी गिरी, मैं कुछ फिसल रहा हूँ। अरे बच गया बच गया बच गया, एल्बो लगा लिया दीवार में। ये ब्लैक आइस है, फोन भी कस के पकड़ना पड़ेगा वरना। अरे बाप फिर गिरा, बच गया। जहाँ गड्ढे हो रहे ना पैरों के उसी पे चलते हैं, स्टिक भी निकल रही है अंदर। गांव में जब बग्गी चलती है ना ऐसे टूटा फूटा रास्ता, वैसा रास्ता है। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे जो है एक गाड़ी फंस गई है। अब जो है ये गाड़ी को जो है हेल्प करेंगे बाकी के यहाँ के लोकल्स निकालने में, और तभी जो है हम टैक्सी लेके जो है नीचे जा पाएंगे। तो अभी जो है हमें टैक्सी मिल गई है, बट अभी ये वाली गाड़ी फिर से अटक गई है। तो अभी जो है लोग आ रहे हैं इसको धक्का लगाने, जब ये काफ़ी बिकॉज नैरो पाथ है और ये गाड़ी जो है ऊपर जाएगी तभी जो है हम यहाँ से जो है वापस नीचे जा पाएंगे। हम निकल आए और अभी जो है हम पहुंच गए हैं कसौल, और काफ़ी भूख लग रही है। तो अभी जो हम होटल जा रहे हैं जहाँ पे हम पिछली बार रुके थे कसौल में, तो ये वाला जो होटल है जिसका नाम है रॉयल कैसल। तो अभी जो है यहाँ पे हम डिनर करेंगे, तो मैं आपको जो है इसके अंदर की एम्बियंस दिखा रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग एम्बियंस है। तो गाइस हमने यहाँ पे मशरूम सूप में यहाँ पे जो फेमस है वो मंगाया है। काफ़ी अच्छे हैं और ये काफ़ी कुछ करवाते हैं लाइक कैंपिंग बोन फायर एंड ऑल। मैं साइड में जो है फोटो डाल दूंगी, आप उनसे जो है चेकआउट कर सकते हैं प्राइसेस एंड ऑल। और अभी भी हमने जो है यहाँ पे जो है स्नैक्स कह लो आप डिनर कह लो, बिकॉज टाइम हो रहा है 7 o'clock। तो यहाँ पे जो डिनर वगैरह काफ़ी अच्छा है, हमने जो ट्राई करा सूप करा और मंचूरियन करा एंड देन फ्राइड राइस, और काफ़ी अच्छा टेस्ट था। तो अगर आपने जो है यहाँ पे आना हो कसौल में तो आई वुड रिकमेंड दिस, बिकॉज मैंने खुद टेस्ट करा है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा टेस्ट एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट्स इन कसौल। तो आप जो है इसको कंसीडर कर सकते हैं। मेरी जर्नी अच्छी लगी जो कि थी मनाली टू कसौल, और तोश भी मैंने कवर किया आप लोगों के लिए। तो होप आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई हो इस व्लॉग से। अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है रह गई है यानी मैंने मिस कर दिया तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई ऑन दैट। और होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन साइन ऑफ, बाय बाय।